नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। पौड़ी में 121 वर्ष में प्रवेश कर चुकी यहां की ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हर साल की तरह ही इस साल भी पौड़ी के रामलीला मैदान से हो गई है। रामलीला की पहली रात्रि को रामजन्म और शिव पार्वती की पूजा अर्चना के साथ ही रावण का दरबार लगने के साथ ही ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हो गई है। वहीं इस बार कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए रामलीला का आयोजन रामलीला कमेटी द्वारा बखूबी किया जा रहा है, जिससे कोरोना का साया रामलीला में खलल न डाले। रामलीला के पात्रों को डबल वैक्सीन या फिर सिंगल वैक्सीन लगने के बाद ही पात्र अपने किरदार को अपनी वेशभूषा में उतरकर यहां बखूबी निभा रहे हैं। रामलीला में कई पात्र ऐसे भी हैं जो पिछले 10 सालों से अब तक अपनी सेवा को यहां निस्वार्थ भाव से देते आए हैं। इस बार कोरोना दौर के चलते रामलीला को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें महज 60 पात्र की रामलीला अलग अलग किरदार निभाएंगे। वहीं पात्रों की माने तो भले ही भारत नई सदी में पहुंचकर डिजिटल युग से जुड़ चुका हो और रामलीला को कई दफा टीवी शो में देखा भी गया है, लेकिन यहां रामलीला मंचन की वो पुरानी परंपरा आज भी कायम है, जिसका रामलीला मैदान में पहुंचकर दर्शक और बाहरी शहरों से पहुंचे लोग यहां रामलीला का बखूबी लुफ्त भी उठाते हैं। वर्ष की जो रामलीला है 121वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और सारे कलाकारों में बड़ा उत्साह है, जनता में बड़ा उत्साह है, क्योंकि पिछले विगत वर्ष कोरोना की बहुत बड़ी महामारी थी और उस कारण जो है रामलीला को हमें स्थगित तो नहीं किया, हमने जो है आरती रूप में ही उसको की, लेकिन हमने ब्रेक नहीं होने दी, केवल हमने आरती की। लेकिन इस वर्ष जो है उत्साह को देखते हुए हम लोग सब लोग हमारे पात्रों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और जनता की अथाह मांग के कारण कोरोना की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने यही प्रचारित प्रसारित किया है कि हम डिस्टेंस बना के रखें। हमारे कलाकारों ने भी, हमने जिनको किट भी बांटे हैं जो कोरोना को से उनको बचाएंगे, और लगभग हमारे 75% जो कलाकार हैं उन्होंने जो है किसी ने डबल डोज या किसी ने सिंगल डोज जो है इसकी वैक्सीन की ले ली है, इसलिए हम जो है बड़ा प्रिकॉशन लेके इस समय की रामलीला को मंचन कर रहे हैं। मैं रामलीला का पात्र, मैं लगभग 16 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, रामलीला कमेटी पौड़ी से, और लगभग 15 साल से मैं शिव जी का रोल कर रहा हूँ, और पिछले 4 साल से मैं और मेरी पत्नी दोनों हम शिव पार्वती का रोल करते हैं, और पिछले 10 साल मैंने खरदूषण में खर का रोल भी किया है, और बहुत अच्छा। मेरा बेटा भी इसमें रामलीला से जुड़ा हुआ है, अभी वो भी मारिच का और दूध का और कई अन्य रोल कर रहे हैं। बिटिया मेरी भाव नृत्य में रहती है, मेरा पूरी फैमिली राम को रामलीला में समर्पित है। बिल्कुल, ये कोविड का जो दौर रहा है, ये कलाकारों के साथ साथ जो आम जनता, जो कम से कम आपको पता है कि मनोरंजन का बहुत हाईटेक हो चुका है मनोरंजन, लेकिन फिर भी जो रामलीला का जो क्रेज़ है वो तब भी था, वर्षों पहले भी था, और आज भी है। और आज हम वाकई अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी घटनाएँ नहीं हुई, और आज हम धीरे 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 करके अब इस रूप में आ गए हैं कि इस वर्ष जो हम उम्मीद नहीं थी, हम इस वर्ष रामलीला कर रहे हैं। और पौड़ी की रामलीला आपको पता है ये ऐतिहासिक रामलीला है, इस समय 121 साल लगातार, क्योंकि पिछले 2 वर्ष रामलीला, ऐसा नहीं कि रामलीला का मंचन रुक गया, रामलीला का मंचन नहीं हुआ, लेकिन हर बार हमने आरती का जो उसका जो शेड्यूल होता है वो नहीं रोका, और ये निरंतरता बनी रही, और आज हम भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी है, और जो दर्शक देखने आएंगे उन सब पर भी रामचंद्र जी की कृपा बनी रहेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। कितने सालों से आप इस मंचन से जुड़े हैं और लगभग कितने सालों से आप ये वाला रोल कर रहे हैं? मैं पौड़ी की रामलीला से लगभग इस समय 10 साल से जुड़ा हूँ। मैं इस समय पहले मैंने जनक का जो दरबार है वो भी निभाया, दशरथ का दरबार वो भी निभाया, और पिछले 4 साल से मैं लंकापति की भूमिका में हूँ, और आप सब लोग देखते होंगे शायद, मुझे लग रहा है हम लाइव भी इसको चलाते हैं, और
आगे भी मेरा निवेदन रहेगा, जो भी आपके दर्शक हैं अगर कभी भी आपको मौका मिले तो हमारी समीक्षा भी जरूर कर लीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।